One, I hope you are doing great. And today we are going to discuss about the important enzymes जो involve होते हैं replication के process. अगर हम बात करते हैं replication में, तो replication एक बहुत ही important process है. अगर हम बात करते हैं हमारे molecular biology की students, तो इसमें हम एक बहुत important term बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं central dogma. What is central dogma? तो भाई हम DNA से बनाते हैं DNA, फिर DNA से बनाते हैं RNA called as translation. आरएनए से बनाए जाते हैं प्रोटीन्स कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. जो प्रोसेस होता है हमारा कि हम एक डीएनए से जब दो डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, दैट इज वी आर रेप्लिकेटिंग द डीएनए. उस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत पड़ती है. एंड जो भी एग्जाम्स है हमारे, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स के अंदर में यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ओवर दीस थिंग्स कि भाई कौन कौन से एंजाइम्स है, कौन कौन से प्रोटीन्स है जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में. अगर हम बात करते हैं बच्चों रेप्लिकेशन की, तो अगर मैं बात करूं हमारे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, तो ये होता है आपके सेल साइकिल के एस फेज में. और अगर हम बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया की, तो उनके अंदर में फिर आपका आईसीडी साइकिल चलता है, जिसमें सी फेज में चलता है उनके अंदर में ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस. नाउ अगर बात करते हैं डीएनए की, तो मैं कुछ अगर डिफरेंसेस की बात करूं, तो प्रोकैरियोट्स के पास में यूजुअली देखा जाता है सर्कुलर डीएनए, और वही अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो हमारे पास में होता है लीनियर डीएनए. एक्सेप्शनली जो कुछ लोअर यूकैरियोट्स है उनके पास सर्कुलर पाया जा सकता है, बट यूजुअली हमारे पास में देखा जाता है लीनियर डीएनए. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो अलग है, कौन से एंजाइम्स है जो सेम है, इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स होते हैं हमारे, उसको भी हम लोग एक क्विक डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. सो बच्चों अगर हम बात करते हैं हमारे इनिशिएटर प्रोटीन की, नाउ व्हाट इज एन इनिशिएटर प्रोटीन. तो जब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना होता है, हमारे पास में स्टार्ट साइट होगा, स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, और वो जो साइट रहता है वो काफी स्पेसिफिक रहता है. अगर हम बात करते हैं स्टार्ट साइट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उस साइट को हम बोलते हैं बच्चों दैट द इनिशिएटर साइट, उसको हम बोलते हैं ओरीसी. ठीक है, उस साइट को बोला जाता है, मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, इनिशिएशन जहाँ से होगा दैट इनिशिएशन साइट, जगह को हम बोलते हैं ओरीसी साइट. इन यूकैरियोट्स द साइट इज कॉल्ड एज एआरएस. ओरिजिन आपको पता है, ओरी इज ओरिजिन, और एआरएस का मतलब होता है ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग. ARS सीक्वेंस रहेगा और प्रोकैरियोट में रहता है ओरीसी. अगर आप बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के ओरीसी सीक्वेंस की, तो यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं. जैसे कि इस ओरीसी के अंदर में कुछ 9 मर सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, यहाँ पे 13 मर रीजन भी होते हैं. 9 मर का मतलब होता है कि 9 बेस पेयर्स के 4 रिपीट प्रेजेंट रहते हैं, और 13 मर का मतलब होता है कि 13 बेस पेयर स्पेसिफिक के 3 रिपीट प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इसके 4 रिपीट्स है और इसके 3 रिपीट्स प्रेजेंट. ये बात है प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स का जो भी स्टार्ट है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो स्टार्ट होता है ओरिसी साइट में. इस ओरिसी साइट में 9 मर रीजन भी है, 13 मर रीजन भी है. जो 9 मर रीजन है जिसमें 4 रिपीट्स प्रेजेंट है, उस 9 मर रीजन में आके बाइंड होता है हमारा ये इनिशिएटर प्रोटीन कॉल्ड एज डीएनए. ठीक है, पहला स्टेप होता है कि डीएनए ए विच इज द इनिशिएटर प्रोटीन, इट विल कम एंड बाइंड टू द ओरिजिन सीक्वेंस. ओरिजिन में स्पेसिफिकली वहां पे, तो स्पेसिफिकली बच्चों ये बाइंड होता है इन द 9 मर रीजन. उसके बाद में जब ये 9 मर को आके बाइंड होगा, तो 9 मर को बाइंड होने के बाद और क्या चीजें होगी, उसके बाद में 13 मर जो सीक्वेंस रहता है वहां से स्टार्ट होता है थोड़ा सा मेल्टिंग ऑफ डीएनए. जब डीएनए में बेंड आता है, मेल्टिंग थोड़ी स्टार्ट होती है, बिकॉज 13 मर जो रहता है वो रहता है आपका एटी रिच सीक्वेंस. एक चीज हमको पता है, अगर हम बात करते हैं एटी की, तो भाई यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड से जो वीकर है इजियर टू ब्रेक, और जीसी जो रहता है ट्रिपल बॉन्ड है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. अब क्योंकि इनिशिएशन करना है, अनवाइंडिंग करना है, तो वो क्यों ना ऐसी जगह से कराया जाए जो इजिली ब्रेकेबल. तो ए और टी के बीच रहने वाला है डबल बॉन्ड, और वहां से स्टार्ट होने वाला है बच्चों अनवाइंडिंग. तो 13 मर एक ऐसा रीजन है जहां पे एटी रिच रीजन है, और वहां से अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी. और 9 मर हमारा सीक्वेंस है बच्चों जहां पे डीएनए ए आके बाइंड होता है. ठीक,
और अगर हम बात करते हैं हमारे यूकेरियोट्स की, तो उनमें जो इनिशिएटर प्रोटीन रहता है उसको हम बोलते हैं ओआरसी। ओआरसी का मतलब होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये ओआरसी आएगा आके एआरएस को बाइंड होता है। तो आई थिंक नाउ यू गाइस आर क्लियर विद दी ओरिजिन साइट एंड आप लोग क्लियर हो विद दी इनिशिएटर। अब एक बार इनिशिएटर आ गया, इनिशिएटर आके बाइंड हो गया, उसके बाद क्या? अब दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो चुका है, बेल्टिंग हो चुका है, एटीपी बन रहा, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अब आपको कंप्लीट अनवाइंडिंग वहां से स्टार्ट करना है। दैट कंप्लीट अनवाइंडिंग जो स्टार्ट करने वाला काम है बच्चों, ये करता है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, उनके अंदर हेलिकेज का नाम होता है डीएनए बी, और हमारे अंदर जो हेलिकेज होता है उसका नाम होता है एक्सन 2 7, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स हम जिसको बोलते हैं। तो एमसीएम 2 7 इज अवर हेलिकेज, दैट इज प्रोकैरियोटिक हेलिकेज, एंड प्रोकैरियोटिक हेलिकेज होता है बच्चों हमारा डीएनए बी। अब एक और चीज होती है कि हेलिकेज अपने आप से चलते फिरते नहीं आते, हेलिकेज को वहां पे कोई लाके लोड करता है। हु इज द हेलिकेज लोडर? अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो उनके पास में जो डीएनए सी रहता है वो रहता है हेलिकेज लोडर, वो लाके हेलिकेज को लोड करेगा। वैसे ही इन केस ऑफ यूकेरियोट्स CDC6 एंड CDT1, ये दोनों होते हैं बच्चों हेलिकेज। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे अंदर क्या होता है ना, G1 फेज में ही हेलिकेज को लोड कर दिया जाता है। हेलिकेज की लोडिंग G1 फेज में होती है, पर हेलिकेज का जो एक्टिवेशन वाला स्टेप है ये हमारे एस फेज में होता है। एंड वंस द हेलिकेज इज एक्टिवेटेड, फिर उसका जो मैकेनिज्म है वो सारा प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, सो अब तक हमने देख लिया है ओरिजिन साइट ओरीसी एआरएस, बाइंड कौन आके होगा? तो ये बाइंड आके होगा डीएनए इनिशिएटर, इस केस में आपका ओआरसी आके बाइंड। तो एक बार थोड़ा सा मेल्टिंग हो गया, उसके बाद हमारा हेलिकेज आएगा। दोनों को लोडर की जरूरत है, हेलिकेज अपने आप से नहीं पहचान सकते इनिशिएशन रीजन को या ओरिजिन साइट को, तो हेलिकेज लोडर की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए सी आता है डीएनए बी को ड्रॉप करने के लिए, और CDC6 CDT1 आते हैं एमसीएम को ड्रॉप करने। अब क्या हो चुका है, तो भाई हमारा जो डीएनए पर इस तरीके से क्लोज कॉम्प्लेक्स में रहा होगा, अब वो डीएनए हमारा ओपन हो चुका है एंड कुछ इस तरीके से। स्टार्ट दी रेप्लिकेशन, पर हमारे पास या फिर बैक्टीरिया के पास जो पॉलीमरेज होते हैं बच्चों, ये अपने आप से सिंथेसिस नहीं करा सकते। दे ऑलवेज रिक्वायर अ फ्री थ्री डैश ओएच, उनको जरूरत पड़ती है बच्चों एक फ्री थ्री डैश ओएच एंड की। और जब ये एंड दिखता है ना, तो इस एंड में इस फ्री थ्री डैश ओएच एंड के आगे ही फिर सारा का सारा जो भी एडिशन ऑफ एंटीजन है वो स्टार्ट होता है। ठीक, सो ये आप तो नहीं करेगा, कोई तो आना चाहिए जिसको ये एंड प्रोवाइड करे। तो ये एंड प्रोवाइड करते हैं बच्चों प्राइम, एंड प्रोवाइड करते हैं बच्चों प्राइम। अब प्राइमर भी अपने आप नहीं बनता है, प्राइमर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो प्रोकैरियोट्स के पास उनका प्राइमेज होता है, हमारे पास हमारा। द प्रोकैरियोटिक प्राइमर प्राइमेज इज कॉल्ड एज डीएनए जी, और हमारे पास जो प्राइमेज है बच्चों वो होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के सामने डीएनए जी की, डीएनए जी क्या है? तो डीएनए जी जो है ये हमारा है यूकैरियोटिक प्राइम, सॉरी दिस इज अ प्रोकैरियोटिक प्राइम। और ये क्या करता है, तो ये बनाता है आरएनए प्राइम। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्राइमर का नेचर कंप्लीटली आरएनए नेचर का ही होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द प्राइमेज जो प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट्स के अंदर में, प्राइमेज इज व्हाट? तो उसका नाम होता है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज द प्राइमेज जो प्राइमर का सिंथेसिस करने वाला है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। अब ये क्या करता है ना, तो ये जो प्राइमर बनाता है वो पहले कुछ आरएनटीपीज ऐड करता है, उसके बाद में वो कुछ डीएनटीपीज ऐड करता है। तो पहले स्ट्रेच में थोड़ा सा आरएनए ऐड किया जाता है, फिर स्ट्रेच में थोड़ा सा डीएनए ऐड किया जाता है, और फिर डीएनए का स्ट्रैंड इलोंगेट किया जाता है। ये बात होती है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के बारे में। ओके, आपको मैं पॉलीमरेज के लिए सेपरेटली एक ही कॉन्सेप्ट वीडियोस लेके आऊंगी, जिसमें हम लोग पॉलीमरेज को ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज हम लोग सारे एंजाइम्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो वी हैव दिस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो प्राइमेज है हमारे अंदर, एंड वी हैव डीएनए जी जो प्राइमेज होता है इन केस ऑफ एसएसबी। का मतलब आपको पता है, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। भैया जब हमारा ये इस तरीके से डीएनए स्ट्रैंड सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है,
तो उनके ऊपर में आ गई है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होते हैं ताकि वो रिवाइंड ना हो सके, बिकॉज अगर हमको उस रेप्लिकेशन करवाना है तो हम चाहेंगे कि वो अनबाइंडेड स्टेट में रहे, अगर वो रिवाइंड हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि इसका काम ही नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पे काम आते हैं बच्चों हमारे ये एंजाइम्स और हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स, दैट इज दी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स करवाने वाले हैं। दीज प्रोटीन्स विल नाउ परफॉर्म द वी कैन से दिस विल कीप द डीएनए स्टेबल, जिनको हम लोग ना बोलते हैं बहुत बार हेलिक्स डिस्टेबिलाईजर्स, क्योंकि क्या कर रहा है कि आपके डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मेजर पॉलीमरेज, इसमें कौन सा पॉलीमरेज है जो एक्चुअल में रेप्लिकेशन परफॉर्म करने वाला है, तो इफ इट्स प्रोकैरियोट्स तो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है मेजर पॉलीमरेज जो इलॉन्गेशन, उसके पास में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, उसके पास में प्रूफरीडिंग एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटीज होती है अबाउट दी डीएनए पॉलीमरेज। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट द यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज जो परफॉर्म करने वाला है इलॉन्गेशन, तो पॉलीमरेज एप्सिलॉन आता है, पॉलीमरेज डेल्टा आता है। एप्सिलॉन जो है वो करवाने वाला है इलॉन्गेशन ऑफ दी लीडिंग स्ट्रैंड, एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो करवाता है इलॉन्गेशन ऑफ दी लैगिंग स्ट्रैंड। तो हमारे पास में 2 डीएनए पॉलीमरेज है स्टूडेंट्स जो करवाने वाले हैं पूरा का पूरा इलॉन्गेशन रेप्लिकेशन का, और प्रोकैरियोट्स के पास में 1 ही पॉलीमरेज होता है जो दोनों स्ट्रैंड्स को इलॉन्गेट करवा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ट्यूपोइसोमरेज की, तो यस भैया अगर आप डीएनए को जब अनवाइंड करते हो तो उसको अनवाइंड करते वक्त में होता ये है कि एक तरफ में जो डीएनए है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से वो कॉइल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपरकॉइल, हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपरकॉइल। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बच्चों तो इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर, वी नाउ रिक्वायर सम एंजाइम्स जो इस कॉइल्ड डीएनए को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये काम करता है बच्चों टोपो आइसोमरेज। अब जो टोपो आइसोमरेज है ये 2 टाइप के होते हैं, टोपो आइसोमरेज 1 भी होता है, टोपो आइसोमरेज 2 भी होता है। टोपो आइसोमरेज 1 क्या करता है, इट कैन ब्रेक एंड बी सीन, और क्या करता है तो भाई ये ब्रेक और रीसीव करता है डबल स्ट्रैंड। टोपो आइसोमरेज 2 जो है दे रिक्वायर एटीपी, एंड जो 1 है दे डू नॉट रिक्वायर। टोपो आइसोमरेज का काम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों जब बारी आती है इलॉन्गेशन, बिकॉज इलॉन्गेशन होगा हेलिकेज अनवाइंड करेगा और डीएनए आपस में कॉइल स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉजिटिव सुपर कॉइल हो जाते हैं, उसको रिलैक्स करने का काम करता है हमारा टोपो आइसोमरेज। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो टोपो आइसोमरेज को ही टारगेट करते हैं, एंटीबायोटिक्स लाइक गैटिफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली हमारे इन टोपो आइसोमरेज। ठीक है, और टोपो आइसोमरेज 2 का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों कि ये काम आता है टर्मिनेशन वाले स्टेप, क्योंकि होता ये है कि जब प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन होगा, जब प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन होगा तो उनके अंदर क्या होता है ना, इस तरीके से हमारे जो डीएनए हैं डबल स्ट्रैंड दोनों जो डीएनए रहते हैं ये क्या हो जाएंगे, तो ये इस तरीके से आपस में ही कॉइल, इस तरीके से आपस में ही कॉइल, तो उनको सेपरेट करने का काम, भाई अगर दोनों आपस में उलझे हुए हैं तो उसको ब्रेक करना, तो जिस डबल स्ट्रैंड को ब्रेक एंड रिसीव करने वाला काम करता है हमारा। ठीक है, सो टोपो आइसोमरेज 1 एंड 2 दोनों के अंदर है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी है, दोनों की जरूरत पड़ती है इलॉन्गेशन में, बट टर्मिनेशन में सिर्फ 2 की ही जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव इज दी आरएनए। अब प्राइमर जो है बच्चों वो आरएनए नेचर का है, हमारा डीएनए में तो सारे डीएनटीपीज होने चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दी आरएनटीपी, और उन आरएनटीपीज को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आरएनए, क्योंकि प्राइमर का नेचर का होता है। तो भाई क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसका काम होता है प्राइमर को रिमूव करना और ये गैप को फिल भी करेगा, ये मैकेनिज्म डिटेल में हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी। और अगर हम बात करते हैं भाई हमारे अंदर, तो हमारे पास में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारा जो प्राइमर है उसमें थोड़ा सा पार्ट आरएनए का भी है और थोड़ा सा पार्ट उसमें डीएनए का भी है। हमारे पास में क्या होता है, हमारा जो प्राइमर रहेगा, हमारे पास प्राइमर रिमूवल के लिए 2 एंजाइम्स आते हैं, एक होता है आरएनएज एच और एक होता है फेनमैन।
आरएनए दश क्या करता है, तो आरएनए स्टेच इस आरएनए के स्टेच को रिमूव करता है। एक बार आरएनए ने उस आरएनए के स्टेच को रिमूव कर दिया, उसके बाद में आता है ये फेन वन, और ये फेन वन क्या करेगा, तो फेन वन आके आगे के डीएनए के स्टेच को रिमूव कर। तो इस तरीके से प्राइमर रिमूवल की यूकेरियोट्स इट इज परफॉर्म बाय बोथ दी एंजाइम्स आरएनए स्टेच एंड फेन वन। यूकेरियोट्स इट इज परफॉर्म ओनली बाय डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डीएनए लाइगेज की, तो लाइगेज का काम होता है बच्चों गैप क्लोज करना। जब भी ओपन आके फ्रैगमेंट्स में से हम प्राइमर रिमूव करेंगे, जहां पे डीएनए को ब्रेक चाहे रिपेयर हो चाहे कहीं भी हो, उन सब जगह पे काम आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, और ये आके गैप को सील करे। डीएनए लाइगेज यूज करता है कुछ कोएंजाइम्स को, तो दिस एनएडी एंड दिस एटीपी दीज आर दी कोएंजाइम्स। अगर ये सीलिंग होनी है प्रोकैरियोट्स के अंदर में, तो एनएडी आके करेगा, और अगर ये सीलिंग होना है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, तो एटीपी आके उस गैप को सील करने का काम। उसके अलावा एक होता है हमारे पास में स्लाइडिंग क्लैंप, और एक होता है क्लैंप रूट। तो डीएनए पॉलीमरेज को हम बोलते हैं दैट इट इज हाईली प्रोसेसिव एंजाइम, वो गिरना नहीं चाहिए बिकॉज इतने लंबे डीएनए को हमको रेप्लिकेट करवाना है। दैट इज वाई वहां पे एक स्लाइडिंग क्लैंप होता है जो बिल्कुल डीएनए में लोड करके रखता है पॉलीमरेज को, अनवाइंड डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो वी हैव दिस बीटा क्लैंप जो काम करता है स्लाइडिंग क्लैंप का, और जो पीसीएनए रिंग है, ठीक है, जो पीसीएनए जो रिंग रहती है ये क्या करेगा, तो ये क्लैंप का काम करता है इन केस ऑफ, और ये क्लैंप को लोड कौन करता है, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द क्लैंप और द लोडर इज कॉल्ड एज द गामा कॉम्प्लेक्स, और हमारे अंदर में होता है तो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द रेप्लिकेशन बोथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। पॉलीमरेज को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे इन अदर वीडियोस। इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं टीलोमरेज। दिस टीलोमरेज इज यूज्ड इन द यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन सॉल्टी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, तो वहां पे हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये काम करता है बच्चों सॉल्टी एंड रेप्लिकेशन की। अगर हम बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की, जब लैगिंग स्ट्रैंड से प्राइमर रिलीज हो जाता है तो वहां पे एक 5-end जनरेट होता है। अगर 5-end है तो वहां पे तो नए एंटिटीज ऐड नहीं हो सकते। उस केस में आता है ये टीलोमरेज विच इज अ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके खुद के पास में एक आरएनए का स्ट्रेच रहता है, उस आरएनए के इसको यूज करके वो जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड को इंक्रीज करेगा, फिर एक नया प्राइमर बन के गैप को। तो दीज आर द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन। आपके और कोई भी डाउट है, यू वांट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम मी, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या पढ़ना है, एंड आई डेफिनेटली हेल्प। Have a great day, everyone.